देखिए, जैसे लूप के जो पार्ट है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि लूप के जो है दो पार्ट है, डू लूप एंड फॉर लूप एंड डू लूप। और इन दोनों के भी दो दो पार्ट है। एक है आपके पास फोर, जिसमें हम आई कहते हैं उसको, इंटीजर, और दूसरा होता है फोर इच। और इसके बाद आता है डू, में भी दो है, एक वाइल है और एक अंटिल है। ठीक है, तो बेसिकली दो लूप होते हैं, दोनों को दो दो पार्ट होते हैं। हम फोर आई के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। फोर आई में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए फोर इच के बारे में पढ़ते हैं। फोर इच का यूज हम करते हैं जब हमें, अगर हम जनरली बात करें, फोर इच का यूज करते हैं जैसे कि आप एक सिलेक्टेड एरिया में करना चाहते हैं। एक सिलेक्टेड एरिया में आप जितना सेल है उतना रन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो सेल है इसके हर सेल में जाके वो वर्क करें। मतलब जैसे पिवट टेबल लगाने से पहले आप सिलेक्शन करते हो, जैसे आपके ये है कंडीशन फॉर्मेटिंग, सिलेक्ट करने के बाद लगाते हो। उसी तरह से अगर आपको कुछ काम करने हैं लेकिन चाहते हो कि माइक्रो रन होने से पहले एरिया सिलेक्ट हो जाए, तो जितना एरिया यूजर सिलेक्ट करेगा या फिर हम सिलेक्ट करेंगे, मेरा माइक्रो उतने ही एरिया में परफॉर्म करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? चलिए हम चलते हैं डेवलपर टैब में, इंसर्ट मॉड्यूल्स, सब्जेक्ट आर, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो इसके लिए पहले आपको एक रेंज डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बोला डिम आर एज ए रेंज, फिर यहाँ पे देंगे इच कि फोर इच आर इन सिलेक्शन। तो मतलब क्या हुआ कि जितना एरिया सेलेक्ट है उसके हर एक सेल में चलेगा और हर एक सेल को वन बाय वन वो आर मानेगा। तो जो हम सेल पे रेंज पे करते हैं वो चीज हम आर पे करेंगे। सर जी, ये क्वेश्चन है सर, जब हम कहते हैं डिम आर एज रेंज और जो उसको आप रेंज रेंज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो सर इसके इसका करने का क्या सर, ये वाला स्टेप क्यों करते हैं? कहने मतलब है कि जो हमने क्या लिखा फोर इच आर इन सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि रेंज जो सिलेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम थी आर, क्योंकि जो सिलेक्टेड रेंज है वो वन बाय वन आर पे असाइन करेगा, ठीक है। आर हमारा क्या है? रेंज है। आर आर अगर वेरिएबल है तो ऑब्जेक्ट रेंज होगा, सही तभी तो असाइन होगा। मेमोरी कैसे आ देखिए, इसने हमने बोला डिम आर एज ए रेंज, तो ये कोई वेरिएबल नहीं हुआ, कोई डेटा टाइप नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हुआ। मतलब कि इस पे कोई डेटा स्टोर नहीं होगा, इस पे एक पूरी की पूरी सेल स्टोर होगा, सेल असाइन होगा। जैसे मान लीजिए ना कि कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है कि बहुत बड़ा रेंज लिखना होता है, डायनेमिक रेंज में कि एंड वेंड करके लिखना होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे? डिम टी एज ए रेंज और फिर सेट टी इक्वल टू सीट डॉट रेंज A1 से लेके C50। अब आपने इसको असाइन कर दिया। अब मुझे इस मैक्रो के नीचे कहीं भी चाहिए T को, मैंने सीट वन में रेंज A1 से A15 यूज करना है, वहां पे हम T यूज करेंगे जस्ट। अब जो रेंज पे जो चीजें होती है वो सारी T पे हो रही है। तो हम रेंज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप डिफाइन करते हैं जिससे हम रेंज को असाइन कर सके, क्योंकि अगर डायनेमिक रेंज आप लेते हो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा कोडिंग हो जाता है और उसी रेंज को पांच सात जगहों पे यूज करना है, तो
तो बार बार वो कोड लिखना था मुश्किल हो जाता है, उस केस में उसको छोटा करने के लिए हम असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस लूप के अंदर में, कि यहाँ पे कंडीशन है कि डिम आर एज ए रेंज, हमने एक रेंज ले लिया, तो क्या होगा कि इसमें सेट नहीं होता सर, ये फोर ही अपने आप सेट करता है। तो सिलेक्शन क्या है, रेंज है, सिलेक्शन के एक एक सेल में चलेगा, देख रहे हैं आप, एक एक सेल में चलेगा, तो एक एक सेल को पहले असाइन करेगा आर पे। तो इस सेल के ऊपर जो भी हम करना है हम आर को दे देंगे, जैसे मुझे चेक करना है कि जो ग्रेटर देन 50 है उसको कलर कर दे, तो यहाँ पे देंगे कि इफ आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन आर डॉट इंटीरियर कलर इक्वल टू वीवी रेड यहाँ पे एंड इफ, और यहाँ पे नेक्स्ट आर, क्योंकि 4 है तो नेक्स्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जितना एरिया सेलेक्ट करो, जरूरी नहीं पूरा ही सिलेक्ट करो, मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, इतने एरिए में वो सर्च करेगा और उतने एरिए में वो अपना काम करेगा, क्लियर है। सर बाकी तो क्लियर है सर, ये ऑब्जेक्ट कैसे मेमोरी में काम करता है सर? सर अब बता ना आपको, ऑब्जेक्ट आर जैसे बाकी ऑब्जेक्ट काम करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट काम करते हैं, बस यही होता है कि हम लोग डिफाइन नेम करते हैं। डिफाइन नेम पता है ना आपको, कि एक एरिया को सिलेक्ट किया और फॉर्मूले में जाकर डिफाइन नेम कर देते हैं, एक ऐसे काम करता है, सेम ये भी काम करता है, ये परमानेंटली होता है और टेम्पररी होता है, ठीक है अब्दुल जी। तो फोर इच आप इस तरह से यूज कर सकते हो, यहां पे सिलेक्शन ही नहीं, आप एक पर्टिकुलर रेंज भी दे दो कि रेंज A1 से लेके E11 तक, A1 से लेके E11 ऐसे आप रेंज सेट कर सकते हो। और जो भी रेंज पे नहीं है, वर्कशीट वर्कबुक पे भी इसका यूज करेंगे, आगे चल के हम आपको बताएंगे किस तरह से हम इसका बाकी और यूज चीजों पे भी यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी, तो ये आपका फोर इच है। अब चलिए डू लूप के बारे में जानते हैं, फोर इच समझ में आ गया सर आपको, तो आप उसको एग्जाम अपना जो है ना प्रैक्टिस करोगे तो आपको और एग्जाम्पल्स और समझ में आ जाएंगे। एक बार इस पर इसके रिलेटेड जो है चार पांच मैक्रो बनाइए, फिर आपको और समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे करते हैं RR/1 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अब बात करते हैं डू लूप की। अब जैसे कि फोर लूप के बारे में हम डिस्कशन करें, तो फोर लूप में क्या है, फोर लूप में है कि आपको एक तो है कि पहली अगर फोर आई को देखे तो उसमें आपको स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन डिसाइड करने पड़ते हैं कि स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है। इच की बात करें तो एरिया रेंज डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन हमें लूप एक कंडीशन पे लगानी है, हमें नहीं पता है कि हमारा स्टार्ट कहाँ है हमारा एंड कहाँ है, हमें एक कंडीशन देनी है कि अगर जब तक ये कंडीशन फुलफिल होती है तब तक मेरा लूप चलता रहे। जैसे कि एक फोल्डर में जब तक फाइल मुझे मिलते रहे तब तक वो फाइल को ढूंढता रहे, फाइल मिलने बंद हो गए फाइल को ढूंढना बंद कर दे। जैसे कि इनपुट बॉक्स में जब तक कोई वैल्यू ना डाले तब तक इनपुट बॉक्स को अपीयर करता रहे, ठीक है। तो समझ में आया कि कंसेप्ट क्या है डू व्हाइल का? सतगुरु जी, फोर और डू में आपको डिफरेंस समझ में आया ना कि डिफरेंस क्या है? अब चलिए इसकी एक दो एग्जांपल करते हैं। जैसे मैं यहां पे करता हूं
यहाँ पे मैं कुछ नंबर दे देता हूँ, अब मुझे बी कॉलन में मान लीजिए कि कुछ नंबर देने हैं, ठीक है, तो तब मुझे यहाँ पे देना है कि जब तक ए कॉलन में वैल्यू मिलता रहे तब तक बी कॉलन में वैल्यू डालता रहे। कंडीशन क्या है? जब तक ए कॉलन में वैल्यू मिलता रहे तब तक बी कॉलन में वैल्यू डालता रहे। तो इसमें हम करेंगे डू वाइल सेल्स आर कॉमा वन डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। यहां पे आर इक्वल टू वन करना पड़ेगा आपको, देन सेल्स आर कॉमा टू डॉट वैल्यू इक्वल टू हंड्रेड कर देते हैं, और फिर R इक्वल टू आर प्लस वन, इसको इंक्रीज करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, और देन इसको लूप से खत्म करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि कब तक चलेगा, चला। तो इसमें हमें ना स्टार्टिंग पोजीशन देना हुआ ना एंडिंग पोजीशन दिया हुआ, अनिल जी कोई डाउट? अब्दुल जी, तो जब इसी तरह से कंडीशन हम देते जाते हैं उसके बाद आपको करते जाते हैं। अब बात करते हैं डू वाइल के, डू अंटिल। देखिए डू वाइल और डू अंटिल में कोई डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। तो माइनर से डिफरेंस क्या है, चलिए आपको बताते हैं। डू अंटिल, वाइल की जगह पे अंटिल। देखिए डू वाइल क्या करता है, पहले को चेक करेगा सेल में जाके क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है, ठीक है, और दूसरी क्या करेगा कि पहले एक बार नीचे वाले चीज को रन करेगा, देन इसको चेक करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर टोल प्लाजा की तरह समझिए इसको, कि कंडीशन हो गया टोल प्लाजा, ठीक है, इसमें क्या है कि पहले कंडीशन मतलब कि पे करते हैं देन आपको सफर करने देता है। इसमें क्या है कि पहले एक बार आप सफर कीजिए देन पे कीजिए। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया, देखिए यहाँ पे मैंने जीरो डाल दिया, ब्लैंक कर दिया, तो क्या होगा कि डू वाइल नहीं वर्क करेगा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देगा। क्यों नहीं रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि इसको पहले ही बार में ब्लैंक मिल गया तो लूप ने इसको बाहर कर दिया, ठीक है। लेकिन डू अंटिल लूप जो है एक बार चल जाएगा, चल गया, क्यों, क्योंकि वो एक बार यहां से चला नीचे चला देन चेक किया, तो चेकिंग जो है लास्ट में करता है। तो कभी ऐसी होती है जैसे इनपुट बॉक्स की हम बात करें, तो इनपुट बॉक्स में हमें क्या चाहिए होता है कि पहले वो जब तक वैल्यू डाले तो तब तक वो एक्सेप्ट ना करे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि पहली बार वैल्यू तो ब्लैंक ही रहेगी, तो वहां पे क्या करेगा वो, कि एक बार वैल्यू को शो जरूर करेगा, ठीक है। तो दोनों में समझ में आया आप जी, कि डू अंटिल लूप और डू वाइल लूप आखिर करता क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। दीपिका जी गुड आउट, हाँ, इनका यूज कैसे होगा वो आपको हम बताएं,
हाँ, इनका यूज कैसे होगा एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, इनका यूज में हम आपको बस एक, आज ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं बता पाएंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको हम बताते हैं, उसके बाद आप इसके बारे में जानिएगा, फिर आपको बाकी प्रोजेक्ट हम बाद में बताएंगे। एक मिनट दीजिए मुझे। अब मान लीजिए कि आपके पास, आपको जो है एक फोल्डर में बहुत सारे ये है, मतलब कि फाइल है, और उन फाइलों को डिट मान लीजिए ना, ये प्रोजेक्ट, इसमें से आपको जो है ये बता देता हूँ मैं। एक प्रोजेक्ट लेते हैं, मेरे पास एक फोल्डर है जिसमें 12 महीने की फाइल डली हुई है, 12 फाइल डली हुई है, या 365 फाइल, या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। मुझे क्या करना है, सारे फाइल की डेटा को कुलेट करना, मतलब कि एक के अंदर कॉपी पेस्ट करना है, समझे। एक के अंदर हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि फोल्डर में कितने फाइल है, सबसे पहले हमें इसको ढूंढना है कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में नंबर ऑफ कितने फाइल हैं, क्योंकि फाइल की लिस्ट मिल जाएगी तो फिर वन बाई वन हम ओपन करते चले जाएंगे। तो मैं फाइल का जो फाइल है उस फाइल का लिस्ट निकाल देता हूं, बाकी काम आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक फोल्डर ले लेते हैं कोई, ई ड्राइव में मान लीजिए 2015, बहुत सारा फाइल है। डेटा है नहीं, डेटा में देखिए, दो हजार 15 में फाइल इसी को लेते हैं, इसमें तीन चार फाइल है ना, इसी को लेते हैं। मुझे इस 2015 में जितने भी फाइल है उसको एक लिस्ट निकालना है, ताकि हम उसको एक एक करके ओपन करा सके और उसकी डेटा कॉपी पेस्ट करा सके। तो इसमें एक एक मिनट, यहाँ देते हैं सब्जेक्ट आर आर स्लैश टू ब्लैक एंड ओपन क्लोज, यहाँ पे करते हैं, एक करते हैं एफ एंड फाइल नेम इक्वल टू, एक आया फंक्शन होता है डी आई आर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर में आप फोल्डर का नाम, जो फोल्डर की पाथ है, फोल्डर की पाथ, और साथ में जो फाइल नेम है, जैसे कि फाइल नेम लेते हैं डॉट एक्सएलएस, एक्सएलएस एम या एक्सएलएस जो भी है वो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइल का टाइप की नॉर्मल है, हिडन है, डायरेक्टरी है, कंप्यूटर है, रीड ओनली क्या है, हमने ये नॉर्मल है, वीवी नॉर्मल ए कर दीजिए। तो क्या होता है कि फाइल का लिस्ट दे देगा, पर प्रॉपर की एफ एन क्या है, एफ एन एक बार में एक ही फाइल देता है, डायरेक्टिव फंक्शन से चलता है तो अपने पास सारा फाइल की इंफॉर्मेशन रख लेता है, लेकिन एक बार में वो एक ही फाइल को वैल्यू पे देता है। तो इसका एक तरीका है कि अगर हम बार बार एफ एन में, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कर दिया, इसको देखिए पहले कि यहाँ पे हमने कर दिया रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट,
1.0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हमने कर दिया एफ है। तो ये क्या होगा कि जब रन होगा यहाँ से तो एक फाइल का नेम यहाँ पे दे देगा, पर दूसरा फाइल का नेम कैसे देगा? तो दूसरा फाइल नेम लेने के लिए आपको वापस एफ एन इक्वल टू डी आई आर देना पड़ेगा ब्रैकेट को। तो ये वापस क्या करेगा, दूसरी फाइल नेम दे देगा। तो इसको आप इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए, तो आप देखिएगा कि इसमें दूसरा फाइल नेम भी आपको दे दिया, डेटा दे दिया ना। तीसरे के लिए तो आपको हमेशा तीसरे चाहिए, तो बार बार आपको इसी चीज को दोहराना होगा, जितना बार दोहराएंगे उतने फाइल नेम आपको यहां पे दे देगा, और जब नहीं होगा तो नहीं देगा। दे दिया, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि कितने फाइल है ये तो मुझे पता ही नहीं, तो हम कितने बार कॉपी पेस्ट करें? तो इस केस में लूप लगाएंगे। अब इसमें हम फोर लूप तो नहीं लगा सकते ना, क्यों? क्योंकि हमें तो पता नहीं कि हमारा फाइल का लिस्ट कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हमें तो कंडीशन है कि जब तक एफ एन पे वैल्यू स्टोर हो रही है तब तक करें, जब तक वैल्यू एफ एन पे स्टोर होना बंद हो जाए तो बंद हो जाए, समझे मैं क्या करना चाह रहा हूं? तो इसके लिए हम डू लूप लगाएंगे, डू व्हाइल कि एफ एन Not equal to blank and loop, ठीक है। अब रन कीजिए, आ गया सारा डेटा फाइल नेम। तो ये फाइल नेम तो मालूम है, यहां पे पिक करवा लिया, आपको ओपन करवाया कॉपी करवाना है तो इसके जगह पे वो चीजें लिखते चले जाओ आप कि ओपन एफ एन डॉट ओपन और बाकी जो करना है कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जब हम ये स्टोर करते हैं तो ब्लैंक में नल नहीं आता है, ठीक है। या इसकी लेन नॉट इक्वल टू जीरो कर दीजिए, वो भी चलेगा। और एक एग्जांपल आपको जो मैंने बुक दिया था, बुक के पेज नंबर 488 पे है, अगर आपको दिक्कत हो तो वहां से बच लीजिएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल हम आपको सर, और कौन सी बुक? वो जो मैंने आपको एक्सेल की बुक नहीं दी है, बुक 9 इसकी बीबीए की, जो ड्रॉप बॉक्स का लिंक गया हुआ है मैम, सबको मिला हुआ है। समझ गया ना, क्योंकि मेल मैं अगर करता हूँ मैम तो सबको करता हूँ ना, एक स्पेशली किसी और को नहीं करता ना, ठीक है। उस बुक में है।